बॉबी तुम ना जल्दी भागो, नहीं तो भैया आ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे भाग तो रहा हूँ यार, अब क्या उड़ के चला जाऊं? अरे यार मेरी पैंट तो तुम्हारे कमरे में ही रह गई। काजल 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 बेटा, ये पैंट तो किसी लड़के की लग रही है। काजल तुम ना गेट खोलो, निकलो यहाँ से। अरे यार ये तो लॉक्ड है। शिट, इसकी चाबी तो भैया के पास है, अब क्या करें? तुम एक काम करो, वो कूड़े की पार्टी दिख रही है उसके पीछे छुप जाओ। ठीक है। ये पैंट किसकी है? अरे ये पैंट तो मेरी है भैया। तेरी? ये पैंट तो लड़कों वाली है। लड़कों वाली मतलब? आपको पता नहीं भैया, लड़का लड़की एक बराबर है, और मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। लेकिन तू इस गेट के पास क्या कर रही है? मैं वो हाँ भैया, कूड़ा, मैं ना कूड़ा फेंकने आई थी, वो कूड़े वाला आने वाला है ना, बस इसलिए। अच्छा, वो हरामखोर कूड़े वाला अभी तक नहीं आया? नहीं नहीं, मैंने उसे कॉल करके बुलाया था लेकिन अभी तक तो वो नहीं आया। मैंने सोचा कि कूड़ा बाहर रख देती हूँ, जब वो आएगा तो कूड़ा लेके चला जाएगा। ठीक है कर दे। वो भैया गेट की चाबी दे देते। हाँ हाँ ये ले। पॉपी जल्दी आओ। जल्दी से निकलो यहाँ से। ठीक है। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय बना के लाती हूँ। काजल की जींस में ये लड़के का पर्स? काजल। हाँ भैया। इधर आके बैठो। हाँ भैया। ये पर्स उस कबाड़ी वाले का है, तू उस कबाड़ी के साथ? भैया मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। क्या समझाएगी तू? तेरा चक्कर एक कबाड़ी वाले के साथ चल रहा है? भैया वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बात बॉयफ्रेंड की नहीं है बेटा, बात भरोसे की है। जो तूने आज मेरे भरोसे को चकनाचूर किया है, और घर पे मैं तुझे अकेला इसलिए नहीं छोड़ कर जाया करता था ताकि तू ये सब करे, आज तूने मुझे ना धोखा दिया। तू मेरे पीठ पीछे उस लड़के को बुलाती थी, अगर किसी पड़ोसी को पता चल जाता तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? भैया तुम्हें क्या करती, आप तो मुझे कभी बाहर जाने देते ही नहीं हो, और अगर मैं बाहर चली भी जाती हूँ तो आप कहते हो यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। मैं घर पे अकेली रहती हूँ, बस मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसे घर पे बुला लिया। आज से तेरा घर से बाहर जाना बंद। मैं एक भाई होने के नाते बाहर इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि बाहर का माहौल सही नहीं है, वहाँ के लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। तूने मेरे प्यार का ये मतलब निकाला, मेरे भरोसे का गला घोट दिया, मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बहन कहते हुए। सॉरी भैया मुझसे गलती हो गई, वो बस अकेलेपन की वजह से मैं बहक गई थी। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उसे कभी भी नहीं बुलाऊंगी घर पे, ना उसे कोई कांटेक्ट रखूंगी, मैं सारे कांटेक्ट तोड़ दूंगी उससे। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए।